अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया में कहां है ऐसी जगह जहां उल्टा बहता है झरना, कहां रोज 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाने वाली लड़की बन गई दरोगा, और एक बारात की ऐसी तस्वीर जिसमें दूल्हा थर्माकोल पर बैठकर बाढ़ के पानी से होते हुए लेकर आया बारात। शुरुआत करते हैं अनोखे वाटरफॉल की खबर के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वाटरफॉल नीचे की बजाय ऊपर की ओर बह रहा है। एक IFS ऑफिसर ने इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए IFS सुशांत नंदा ने बताया कि ये वाटरफॉल महाराष्ट्र के नाणेघाट हिल स्टेशन में स्थित है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, जब हवा की गति का परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर और विपरीत होता है तब वेस्टर्न घाट रेंज के नाणेघाट में वाटरफॉल अपने सबसे अच्छे रूप में गिरता है। मानसून की सुंदरता। दरअसल हवा की रफ्तार ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होने की वजह से पानी की धार ऊपर की ओर जा रही है और झरना उल्टा बहता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में पहाड़ के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बादल तैर रहे हैं, पानी की धार नीचे गिरने के बजाय तेज हवा में गोते खाते हुए ऊपर की ओर जा रही है। ये दृश्य इतना खूबसूरत है कि किसी के भी दिल को छू सकता है। दूसरी अनोखी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। यहाँ एक लड़की ने कमाल कर दिखाया है। रोज 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाने वाली सिंपी कुमारी अब दरोगा बन गई है। सिंपी ने गांव में ही तैयारी करके दरोगा का मुकाम हासिल कर लिया है। सिंपी एक गरीब किसान की बेटी है। सिंपी कितनी खुशी हो रही है, अब तो पास कर गई, दरोगा बन गई। जी बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी। कैसे कॉलेज कैसे जाती थी? कॉलेज तो साइकिल से ही जाते थे। MDDM कॉलेज पढ़ता है मुजफ्फरपुर में, गर्ल्स कॉलेज है। कितना दूरी पढ़ता था? यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर के रेंज में पढ़ता था। प्रतिदिन साइकिल से जाते थे? हाँ, ग्रेजुएशन तो साइकिल से ही किए थे। तीसरी हैरान कर देने वाली खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां एक दुल्हे ने दुल्हन के घर तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल दी। लगातार बारिश की वजह से यहां नदियां नाले उफान पर हैं। ऐसे में हर तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। दुल्हे ने इससे पार जाने के लिए थर्माकोल का सहारा लिया और इसमें बैठकर कुछ बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। अब दुल्हे की इस रिस्की सफर का वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दुल्हे ने थर्माकोल पर बैठकर 7 किलोमीटर का सफर तय किया और वो भी बाढ़ के पानी में। दुल्हे की यह कहानी सुनकर दुल्हन पक्ष के लोग भी हैरान रह गए हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस तरह रिस्क लेकर नहीं आना चाहिए था। न्यूज़ तक ब्यूरो।